हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलो देखते हैं मार्केट को, हम कहाँ मोमेंटम का मार्केट हो सकता है, हम कहाँ डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है और कल हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं। मैं कल के दिन पे जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मैं एक दिन होल्ड करने का कोशिश करने वाला हूँ कल के दिन पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मार्केट को वॉच करने की कोशिश करूँ या कुछ भी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ तो मार्केट मुझे एक अनसर्टेनिटी देखने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा चार्ट ओपन करके दिखाऊँ, तो एक चीज़ समझा देना हो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट किया था, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट किया, मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड चला, लेकिन कल की कैंडल मार्केट में एक निगेटिव कैंडल बन चुकी थी, और उस निगेटिव कैंडल पर हम आज के दिन पर कहीं ना कहीं उसी निगेटिविटी के अंदर अंदर जाकर क्लोज कर चुके हैं। मतलब है कि मार्केट यहाँ से और भी नीचे आने की कोशिश कर सकता है या फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखो कल के दिन पे क्या हो जाएगा, वीकली का क्लोजिंग मिल जाएगा। अगर हमें कल की वीकली कैंडल अगर कुछ चीजें दिखती है अच्छी तरह से दिखती है, या फिर सोचो ये वीकली कैंडल है और वीकली कैंडल अगर ऊपर जाकर ही क्लोज करती हुई मुझे अगर दिखने लगी, तो फिर मेरे लिए निगेटिविटी किसी काम की नहीं बनेगी, फिर मेरे लिए धीरे धीरे करके मार्केट पॉजिटिव ही दिखता रहेगा और मैं पॉजिटिविटी ही के साथ ही मार्केट को देखने वाला हूँ। उसके पहले पहले मैं कुछ चीज़ों को ज्यादा तरीके से करे प्लान नहीं करने वाला। सो लेट इट बी श्योर कि मार्केट कल कैसे रिएक्शन देता है, फिर से देखते। अगर यहाँ पर मैं एक बार डेली चार्ट आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो डेली चार्ट पे देखते हो तो यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल आपको क्लियर कट दिख रही होगी, उसके बाद जाकर फिर से एक निगेटिव कैंडल देखने को मिल रही होगी। मतलब मार्केट बार बार बता रहा है कि मैं सेलिंग में जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये दो कैंडल में मेरे लिए ऐसी तो चीज़ें नहीं है कि मार्केट ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा। मैंने आपको कल भी बता के रखा था, अगर कितने लोगों को याद है तो याद रखना, मैंने बोला था कि कल के कैंडल देखने के बाद मैंने यहाँ पर ड्राइंग पैटर्न दिया था, पैटर्न बना के दिया था कि मार्केट क्या पता मार्केट किस तरीके से करे। एक मिनट, मैं चार्ट को पहले यहाँ पर लगा देता हूँ, फिर आपको कुछ बता सकता हूँ। मैंने क्लियर क्लियर आपको मेंशन कर दिया था कि मार्केट बहुत बड़ी कैंडल एक बना चुका है, उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल बना चुका है, तो मार्केट ऐसे नीचे गिर जाएगा मैं बिल्कुल प्लान नहीं कर रहा, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा है। मैंने क्लियर एक मेंशन किया था कि मार्केट एक बार नीचे आया, एक बार वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और फिर मार्केट अगर नीचे जाता है तभी मार्केट में एक बार सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, डायरेक्टली मार्केट सेलिंग में नहीं जाएगा। मैंने कल ही आपको मेंशनली बता रखा था, और ये प्लान कहीं ना कहीं मैंने देख के रखा था कि मार्केट इस तरीके से एक बार होल्ड दिखा सकता है या फिर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पर वेट एंड होल्ड कर सकता है, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से निगेटिविटी नहीं दिखा सकता, ऐसे गया और ऐसे गिरेगा, इस तरीके से मार्केट ज्यादातर केस में कभी जाता नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट नहीं जा सकता, हाँ जा तो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसे टाइम पे मार्केट कभी करता नहीं है। अगर मार्केट ऐसा नहीं कर रहा है तो कुछ तो चीजें भी करेगा, तो उसको भी प्लान हम कर सकते हैं। देखो सिंपल सा प्लान करते हैं, अभी मार्केट में यहां से ये जो कैंडल है मैं इसी के ऊपर ड्राइंग बना रहा हूँ, देखो ये इस टाइप की कैंडल यहाँ पर बन चुकी है, इस टाइप की कैंडल बन चुकी है, और अभी एक जो दूसरी कैंडल बनी है वो इस टाइप की कैंडल कुछ बन रही है, इस टाइप की यहाँ पर एक कैंडल क्रिएट हो रही है। ये दो कैंडल हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए मार्केट की बन चुकी है, तो हमें अभी ट्रेड कैसे करना है, देखो सिंपल सा कुछ फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। मेरे एनालिसिस के हिसाब से अगर मार्केट कहीं पर भी गैप अप ओपन हो जाता है, स्लाइटली गैप अप ओपन हो रहा है, तो पहले एक बार मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा। तो पैटर्न किस तरीके से, मैंने जैसे बताया था आपको, मार्केट नीचे आया, पहली बार ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरता है, तब जाकर एक मोमेंटम बन सकता है। सो इसी तरीके से यहाँ पर पैटर्न बनेगा, यहाँ पर अगर मार्केट कहीं पर भी गैप ओपन हो जाता है, फिर उसके बाद मार्केट अगर नीचे जाता है, तो सोचो मैं ड्राइंग पे ऊपर फोकस करो, मैं क्या बता रहा हूँ, फिर यहाँ से अगर मार्केट नीचे आ रहा है और फिर मार्केट यहाँ पर होल्ड करता है, थोड़ा पर रुकता है, फिर मार्केट नीचे गिरता है, तभी एक सेलिंग का थोड़ा सा मौका ज्यादा मिल जाएगा और अच्छे खास सेलिंग के साथ जाएगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, मार्केट में सेलिंग, एक एग्रेसिवली सेलिंग तभी आने वाला है जब हम एक राउंड नंबर के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर गए। मतलब 49,000 के नीचे नीचे जब तक हम अच्छे तरीके से सस्टेन नहीं कर पाते, तब तक मार्केट में कोई बड़ा सेलिंग नहीं आने वाला। उसके लिए पहले से प्लान में रहो, 49,000 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लान हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है। 49,000 लेवल एक बार मार्केट अगर प्रॉपर तरीके से उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तभी मैं कुछ चीजें अच्छे तरीके से प्लान क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ अच्छी चीजें हो सकती है। उसके पहले पहले थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग नहीं आएगा, हाँ सेलिंग आ तो जरूर सकता है, लेकिन एग्रेसिव आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कल का मार्केट इसी रेंज के अंदर अंदर कहीं पर भी ओपन हो, मार्केट अगर पहली बार में गैप अप ओपन होने के बाद अगर सीधे ऊपर ही जाने लगे, तो मेरे बारे में मैं सेलिंग का प्लान बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैं एक बार मार्केट को ऊपर जाने दूंगा, फिर उसके बाद मार्केट अगर नीचे आकर फिर यहां पर थोड़ा बहुत रुकने के बाद अगर फिर वापस ऊपर जा रहा है, मैं बाइंग का प्लान तभी कर सकता हूं, इतना कुछ चीजें बनने के बाद ही करूंगा। अदरवाइज अगर ऐसा ना करते हुए मार्केट यहाँ पर पहली बार ऊपर गया और फिर सीधे आकर अगर ये डे लो के नीचे आकर फिर से ट्रेडिंग करने लगे, यहाँ पर वेट करने लगे और फिर उसके बाद नीचे निकल रहा है, तब जाकर मैं वापस एक बार सेलिंग के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। अदरवाइज मैं डायरेक्टली सेलिंग के लिए जंप नहीं कर सकता, ऐसा कोई प्लान ही नहीं हो सकता, और ऐसा प्लान होगा भी तो कोई सक्सेस नहीं होने वाला। इस चीज को आपको प्रॉपर तरीके से ख्याल रखने रहना चाहिए। देखो अभी फिलहाल के लिए तो मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट किसी भी एंगल पे गैप डाउन तो होने वाला, मुझे अभी फिलहाल के लिए लग नहीं रहा है। अगर फिर भी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो चीजें कुछ मैं प्लान क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ चीजें देख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे कुछ अभी प्लान नहीं दिख रहा है कुछ ऐसा कुछ होता हुआ। लेकिन स्टिल देखो मार्केट अभी फिलहाल के लिए अगर फिर भी देखते कि 49,000 पे आसपास आसपास कहीं पर भी ओपन हो जाए, तो गड़बड़ी करके डायरेक्टली सेलिंग करने में मत जाना, बल्कि मार्केट जा रहा है तो मैं सेलिंग करके पैसे बनाऊंगा, इस तरीके से नहीं जाना है। सोचो मार्केट यहाँ पर चला रहे, मार्केट यहाँ पर होल्ड करता रहे, मार्केट यहाँ पर रहे, इसी तरीके से रेंज मेंटेन करता रहे, कुछ
करे और फिर उसके बाद मार्केट एक बार ऊपर आने की कोशिश करे और फेल होकर फिर नीचे गिरने लगे, तब जाकर आप मार्केट को सेल करने का प्लान क्रिएट कर सकते हैं। या फिर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर 15-20 मिनट मार्केट अगर यहीं पर होल्ड करके फिर मार्केट नीचे गिरे तभी जाकर मैं एक बार सेलिंग के लिए प्लान क्रिएट कर सकता हूँ। या फिर मार्केट पहली बार में यहाँ पर मार्केट एक बार रेड कैंडल क्रिएट करके और फिर उस रेड कैंडल का नीचे का अगर लोअर क्रॉस करके मार्केट नीचे गिर रहा है तभी जाकर मेरे एक बार सेलिंग का प्लान बन सकता है। उसके पहले पहले कोई भी सेलिंग का डायरेक्टली प्लान मत कर लेना, क्योंकि 49,000 एक राउंड नंबर है, वहां पर थोड़े बायस एड ऑन हो सकते हैं, मार्केट को पुश करने की कोशिश हो सकती है या फिर वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है, तो आपका स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आपको पहले से ख्याल रख लेना चाहिए, वरना आपके स्टॉप लॉस से ज्यादातर जाने की कोशिश हो सकती है। चलो एक बार हम निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर सकता है। एक बार अभी याद रखो, मैं आपको डेली चार्ट एक बार वापस से दिखाता हूँ, फिर मैं निफ्टी में लेके चलता हूँ। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ये जो कैंडल मार्केट यहाँ पर बना रहा है ना, ये कैंडल को देखकर मुझे एक चीजें यहाँ पर दिख रही है कि मार्केट यहाँ से वापस अपसाइड जाने की कोशिश करने की ट्राई जरूर कर सकता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 49,000 के नीचे ही हम एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं। उसके पहले पहले मार्केट और भी थोड़ा बहुत नीचे आकर फिर से वापस ऊपर ऊपर के साइड में सेटअप कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए 49,000 मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट लेवल मेरा फिलहाल के लिए मेरा बन चुका है। लेट इट बी श्योर कि जब तक मार्केट 49,000 के नीचे प्रॉपर होल्ड प्रॉपर सस्टेन नहीं कर पाता, हम मार्केट को एग्रेसिव नहीं जाने वाले। इस बात का आपको पहले से ख्याल रख लेना चाहिए, इतना आप समझ चुके होंगे। मैं चलो अभी लेके चलता हूं आपको निफ्टी के चार्ट पे। अगर मैं निफ्टी के चार्ट पे लेके चलूं, निफ्टी अभी भी कोई निगेटिविटी नहीं है, मैंने कल भी बता कर रखा था, निफ्टी को देखकर मुझे कोई भी निगेटिविटी नहीं लग रही है। निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग ज्यादा प्रेशर में क्रिएट नहीं करने वाला, मैं वेट करूंगा फिर जाकर मैं ट्रेड करने वाला हूं। मार्केट को मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, निफ्टी इतनी ज्यादा खराब मुझे अभी फिलहाल के लिए नहीं लग रहा है। मैंने आज सुबह आपको देखा होगा मैंने कितने जबरदस्त तरीके से आपको एनालिसिस दिया था। एक बार 5 मिनट का चार्ट बता देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। मैंने एक चीज आपको समझा के रखी थी, देखो मार्केट ने पहली बार में 1:5 का रेशियो का टारगेट हमें दे रखा था। उसके बाद भी देखो यहाँ पर क्या किया था, मैंने आपको यही मेंशन किया था, पहली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी और उसी ग्रीन कैंडल पे डॉट पे शॉर्ट कर देना, आपको यहाँ पर बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट हो सकते हैं। क्योंकि ऊपर डॉट मिल रहा है तो कोई रिस्क ही नहीं है, स्टॉप लॉसेस दो एक दो पॉइंट का लगने वाला था, मैं तो एक पॉइंट का भी एसएल नहीं लगा रहा था। जहां से शॉर्ट किया वहीं से मार्केट नीचे आया, जहां से शॉर्ट किया फिर इतना मार्केट नीचे है, 1:5 का टारगेट अचीव हुआ। यहाँ पर भी मैंने सिंपल से बैंक निफ्टी का भी एक बार चार्ट ओपन करके देख लो, मैंने क्लियर कट मेंशन करके दिया था आपको कि पहली कैंडल के हाई के ऊपर ही मार्केट को सेल कर दो, बिना सोचने समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। परफेक्शन उस लेवल का होता है, नेक्स्ट लेवल का पहली कैंडल कैसी बनेगी ये भी पहले से पता होता है। ऐसी चीजों को सीखने की कोशिश करो गाइस, मई बैचेस में एडमिशन में आपको यही सिखाने वाले हैं हम, तो जल्दी से जल्दी एडमिशन कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ, इसकी वजह से आपके साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट 2 दिन में कुछ बड़ा दिखाने वाला आपको, 2 से 3 दिन में मेरे लाइफ का जितना भी मेरा सपना था वो सपना पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। लेट इट भी देखते कि कितना मजा आने वाला है। बहुत सारे सपने मैंने देखे थे लाइफ में, वो सारे सारे धीरे धीरे करके सारे सपने पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक सपना अभी पूरे होने जा रहा है। मैं दिखाऊंगा आपको मैं किस तरीके से चीजें उसके लिए प्लान कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर भी आपको दिया था इतना नीचे आकर आपको यहाँ पर भी 1:5 के आसपास का टारगेट मार्केट ने अचीव कर दिया था। इसी को बोलते हैं मार्केट में एक्चुअली एनालिसिस करना, पहले से प्लान रेडी होना चाहिए, पहली कैंडल कौन सी बनेगी ये पहले से मुझे पता है तो आपको भी पता चल जाएगा, बस सीखने की कोशिश करो। देखो निफ्टी अभी भी पॉजिटिव है, एक बात याद रखना निफ्टी बिल्कुल बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। 22,700 मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, 22,700, 22,700 के ऊपर मार्केट अगर एक बार बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर अंदर निफ्टी अगर होल्ड करता रहे 15-20 मिनट आधा घंटा अगर निफ्टी यहाँ पर होल्ड करे, और उसके बाद अगर 22,750 के ऊपर 700 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है, 700, 710, 720 इसके ऊपर अगर निफ्टी एक बार निकल जाता है तो हमें अपसाइड के लिए ही प्लान क्रिएट करेंगे। उसके पहले पहले सेलिंग का कोई प्लान नहीं बनने वाला। निफ्टी में अगर आपको एग्रेसिव जाना ही है तो लगभग लगभग आपको 22,000, 22,500 के नीचे आपको कुछ भी प्लान करना पड़ेगा। 22,500 के नीचे अगर प्रॉपर मार्केट सस्टेन करने लगे तभी जाकर हमें प्रॉपर एग्रेसिवली सेलिंग करने का कोशिश करेंगे। उसके पहले पे कोई सेलिंग का प्लान नहीं बनेगा। आपका थोड़ा सा मार्केट को देखने का नजरिया बदल दीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर निफ्टी फिर इसी रेंज के अंदर अंदर जब तक रहेगा तब तक आपको कोई ट्रेड करना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। एक बार उस लेवल को मार्केट को क्रॉस करने दो तभी जाकर थोड़ा सा एग्रेसिवली प्लानिंग हो सकता है। मैं निफ्टी में जाकर मैं ट्रेड करने भी वाला हूँ सेलिंग में, तो थोड़ा सा मेरा क्वांटिटी कम कर दूंगा और उसके बाद में बड़ी क्वांटिटी प्लान करने वाला हूँ। पहले एक बार सेलिंग आने देते फिर जाकर मैं सेलिंग के लिए एग्रेसिवली जाने वाला हूँ, क्योंकि निफ्टी काफी लॉन्ग टर्म से एक ही जगह पर खड़ा है। बैंक निफ्टी एक बार ब्रेकआउट भी किया फिर नीचे आया, तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में बिहेव आता रहता था। होप आप इतना समझ चुके होंगे। मैं मिलता हूं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।